बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली एक ट्वीट से लोगों को काफी चौंका दिया। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि कैसे उन्हें टॉर्चर किया है लाइफ में। जी हाँ, ये टॉर्चर भी बहुत अनोखा है। आप भी देखकर झटका खा जाएंगे कि अमिताभ बच्चन ने शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर जो कई निजी जिंदगी के राज खोले हैं, उन्होंने ये बताया है कि उन्हें मीठा खाना काफी पसंद है, लेकिन बुढ़ापे की इस उम्र में तमाम प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं अमिताभ। इसी कारण से उन्हें खान पान को लेकर काफी परहेज में रहना पड़ता है और इस परहेज के कारण अमिताभ बच्चन को कितनी तकलीफ होती है ये आप भी नहीं जानते होंगे। इस परहेज में बिना मीठा खाए एक्सप्रेशन देना कि उन्हें वो मीठा कितना स्वादिष्ट लगा है, इस पर कितनी तकलीफ होती है, दिल का हाल अमिताभ बच्चन ने जाहिर किया है। देखकर आप भी समझ सकते हैं कि वाकई में अमिताभ बच्चन कितना ज़्यादा परेशान है। अमिताभ ने हंसी हंसी में या यूँ कह लीजिए कि मजाक मजाक में कई बातें शेयर कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब मीठा खाना छोड़ दिया तब शूट पे हाथ में पकड़ा दिया रसगुल्ला और गुलाब जामुन और कहा एक्सप्रेशन देना कि अभी अभी खा के बहुत स्वादिष्ट लगा है, इससे बड़ा टॉर्चर लाइफ में नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन का ये कहना है इस तरह से टॉर्चर किया गया है उन्हें। अमिताभ बच्चन ने ये कहकर एक बात तो साफ तौर पर जाहिर कर दी है कि वाकई में उनके लिए ये टॉर्चर ही तो है। खैर, बीमारी के कारण परहेज में रहना अमिताभ बच्चन की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें COVID-19 के इस बीमारी से लड़ने के लिए ताकत मिलती है परहेज के साथ अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, जब उन्हें परहेज के साथ कई प्रकार की चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।